आज गांव डंडेरा में भाजपा के वरिष्ठ नेता व कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन रवि राणा व भाजपा मंडल अध्यक्ष विकास पाल और ओबीसी पिछड़ा वर्ग के जिलाध्यक्ष प्रदीप पाल एवं समस्त कार्यकर्ताओं ने डंडेरा ग्राम पंचायत को नगर पंचायत में तब्दील होने की खुशी में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, उत्तराखंड सरकार एवं शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक का धन्यवाद व आभार व्यक्त किया। पिछले कई समय से डंडेरा को नगर पंचायत में बदलने की मांग की जा रही थी। लंबे समय के संघर्ष के बाद डंडेरा को नगर पंचायत का दर्जा दिया गया। इस कार्यक्रम में उत्तराखंड संघर्ष समिति के अध्यक्ष हर्ष प्रकाश काला, विजय सिंह पवार, त्रिलोक सिंह रावत व अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट। आई हुई इन लोगों की है और आज आगे चल रहे हैं तो नेतृत्व इन्हीं लोगों का है। हमारे बीच में मेरे बड़े भाई, जिनसे मैं हमेशा लड़ता भी रहता हूँ, 3 बार मंडल अध्यक्ष रहे और इनके नेतृत्व में हमने कई चुनाव यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करके जीते। और जिस तरह की उन्होंने देखिए, आज माननीय मंत्री जी द्वारा और उत्तराखंड सरकार द्वारा नगर पंचायत का डंडेरा को दर्जा दिया गया है, उसके उपलक्ष्य में हम सभी कार्यकर्ता मंडल की टीम द्वारा आज सरकार का अभिनंदन धन्यवाद दिया है। और आगे जो पार्टी द्वारा या सरकार द्वारा हमें निर्देशित किया जाएगा उसी पर आगे कार्य किए जाएंगे। आप लोग काफ़ी समय से इसको नगर पंचायत में तब्दील करने के लिए मेहनत करते हैं, अब जाके जब नगर पंचायत में तब्दील हो गया तो आगे उसके लिए आप क्या करना चाहेंगे? आज हमारे लिए बहुत हर्ष का विषय है, ये डंडेरा ग्राम पंचायत को नगर पंचायत का दर्जा दिया गया है। इसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी का, आदरणीय शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक जी का, डॉक्टर निशंक जी का, अपने क्षेत्रीय विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंगपन जी का हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं कि इन्होंने बहुत लंबी लड़ाई लड़कर और हमारे इस क्षेत्र के विकास के लिए इसको नगर पंचायत घोषित किया है, उसके लिए हम उनके बहुत आभारी हैं। और क्षेत्र की जनता काफ़ी दिनों से बहुत त्रस्त थी, यहाँ की सड़कें टूटी हुई थी, गलियाँ टूटी हुई थी, तो इसलिए नगर पंचायत में आकर इसका सौंदर्यीकरण होगा, विकास होगा, ये क्षेत्र डेवलप होगा, उसके लिए सभी को खुशी होगी, सभी के अंदर खुशी की लहर दौड़ी हुई है कल से, तो सभी को इस बात का गर्व महसूस हो रहा है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी ने ये सराहनीय कार्य किया है, उसके लिए धन्यवाद। हमारे बहुत लंबे समय से इस क्षेत्र के लोगों की मांग थी कि ढंडेरा को नगर पंचायत का दर्जा दिया जाए, लेकिन किन्हीं कारणों से मांग बहुत दिनों से लंबित पड़ी हुई थी, सरकार को लगातार अवगत करवाया जा रहा था, लेकिन अभी माननीय मंत्री जी ने इसकी घोषणा कर दी तो उस खुशी में हम सब क्षेत्रवासियों ने उत्तराखंड सरकार का, माननीय त्रिवेंद्र रावत जी का, माननीय मदन कौशिक जी का, इस क्षेत्र के विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन जी का, सब लोगों ने एक धन्यवाद प्रस्ताव दिया है कि उन्होंने हमारी मांग को माना और जो है बहुत जल्दी जो ढंडेरा ग्राम पंचायत अस्तित्व में आ जाएगी। आगे आपकी क्या योजनाएं रहेंगी क्षेत्र के विकास के लिए? क्षेत्र के विकास के लिए लगातार यही है कि नगर पंचायत होने से क्षेत्र में बहुत सारा विकास होगा, क्योंकि ग्राम पंचायत बनने से आप देख रहे होंगे कि उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्राम होने के बावजूद भी आज जो है सुविधाओं के नाम पे बिल्कुल जीरो है, सारे रास्ते टूटे पड़े हुए हैं। ग्राम प्रधान के द्वारा ये हमेशा ये बहाना बना दिया जाता था कि मेरे पास इतना बजट नहीं है कि मैं इन सड़कों को करवा सकूं, इन काम को करवा सकूं, तो अब निश्चित क्षेत्र के लोगों के अंदर मन में ये आस जगी है कि नगर पंचायत होने के बाद हमारी जो है पैसा भी अधिक आएगा तो उससे क्षेत्र का विकास भी अधिक होगा।